हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाई, आई एम शैल। मैं इतने दिनों बाद, आई थिंक 15 दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और मुझे कुछ कुछ हो रहा है। आज बाहर धूप है और मैंने फिर भी पता नहीं क्यों इतना मोटा स्वेटर पहन लिया है और मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। और मैं आज मंदिर आई हूँ और आई हैव टू गो प्रे। मैं कभी भी कनाडा में आके मंदिर नहीं आई थी, तो मैं सोचा आई हैव टू गो टू द मंदिर टुडे। एंड द रीज़न वाई आई वॉज नॉट पोस्टिंग माई लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ, और इट वॉज जस्ट टू बैड फॉर मी। बट नाउ आई एम ऑलमोस्ट ओवर इट। आई होप कि आई एम ऑलमोस्ट ओवर इट। आई विल गो इन साइड एंड शो यू कि यहाँ पे मंदिर कैसे होते हैं, वैसे मंदिर जैसे होंगे। आई थिंक यहाँ पे आज लंगर भी है, आई डोंट नो, काफ़ी सुंदर सा अरेंजमेंट किया हुआ है। लेट मी शो यू और उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है। आप देख ही सकते हो कि मैंने आई लैशेस करवा लिए हैं फाइनली, बट इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बताती हूँ बाद में कि क्यों फायदा नहीं हुआ। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। दिस इज द लंगर गोइंग ऑन एंड दिस इज लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैं पहली बार आई हूँ। लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि कैसा ही है। द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोना हैव ब्रेड पकौड़ा। ये तो खाया मैंने, लड्डू तो खाया एंड सम पकौड़े। और मैं वैसे यूजली खाती नहीं हूँ, बट आई थॉट लेट्स ट्राई टुडे। और मैं अंदर गई मंदिर की, इतनी अच्छी वाइब थी, इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब थी। मेरे घर से काफ़ी दूर है तो मैं रोज़ आ जाती यहाँ पे। अब आई हैव दिस और मुझे अब लाइब्रेरी जाना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैंने आज भी कोशिश करी कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था। बट मैंने सोचा आई शुड लेट यू गाइस नो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और ऐसा क्या हुआ क्या है जो मैं नहीं बना पा रही व्लॉग। और एग्जैक्टली मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आई हैव जस्ट लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस अपेरेंटली, जो कि नहीं होना चाहिए था। दीज पास्ट 15 डेज जो मैंने पोस्ट नहीं किया, दीज वर द वर्स्ट डेज आई एवर हैड इन कैनेडा। और मुझे ऐसा लगता है मेरा हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। तो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि इस कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली, कि इस कंट्री में ऐसा है कि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगेगा और बाद में सब कुछ खराब होने लग जाएगा। बट इट्स लाइफ, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स और उससे यू गेट टू लर्न। तो आई वॉज जस्ट लर्निंग। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सफ़र कर रही थी, मैं बस लर्न कर रही थी बहुत सारी न्यू चीज़ें। और मैं नहीं चाहती कि मैं वो सब सोच सोच के डिप्रेस्ड हो जाऊँ। और एक्चुअली मैं वो सारी चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी कि आई वॉज नॉट एबल टू पिकअप माई फोन एंड रिकॉर्ड। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं कर लूँ। सो द बिगेस्ट ट्रॉमा दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ इज कि मुझे बार बार मूव करना पड़ता है। सो दिस इज द न्यू प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ और आई डोंट इवन नो कि मैं यहाँ पे सेटल डाउन हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैंने बहुत ज़्यादा कम कनेक्शन बनाए हैं। तो इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो, जो मैंने गलती करी है वो आप मत करना। प्लीज़ मेक कनेक्शन हियर बिकॉज इट्स वेरी एसेंशियल। आई डोंट इवन नो कि मुझे अब कोई देखेगा भी या नहीं, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने यूट्यूब पर कुछ भी नहीं डाला है। एंड मैं बस वही चीज़ों से ओवरकम कर रही थी कि मैं इतने ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाई, विच इज़ फॉर अ गुड ओनली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। जहाँ से मैं निकली हूँ, आई एम सो थैंकफुल आई एम आउट ऑफ दैट स्पेस, इवन दो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली एडजस्ट हियर, बट इट्स फाइन। आई एम लर्निंग एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो बहुत कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में एंड आई डोंट इवन वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मैंने कैसे दिन निकालने हैं। अभी 15 दिन वर सो डिफिकल्ट फॉर मी एंड मैं इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ। मतलब 15 दिन में मेरे फेस में इतने सारे चेंजेस हैं एंड आई गॉट माई लैशेज डन। आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं लैशेज करवाऊंगी और आई मेक रील्स एंड ऑल, बट मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पाई। मेरे अंदर सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ थी कि मैं हर रोज़ वीडियो डालती थी और मैं वो कर ही नहीं पा रही थी एंड आई होप कि अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट आई एम टेलिंग यू, कि ये वीडियो भी मैं जो बना रही हूँ उसको भी 50 बार मैं शूट कर चुकी हूँ और अब जाके आई एम लाइक मुझे डालना ही है आज, कुछ भी हो जाए। आई वॉज टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने सोचा आज मैंने डालना ही है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो कि आई एम एक्चुअली फेसिंग दैट स्ट्रगल जो सब बोलते हैं कैनेडा में है, एंड देयर इज स्ट्रगल। हमें लगता है कि स्ट्रगल नहीं है। आई हैव टॉक टू माई कजन, माई फ्रेंड्स जो चंडीगढ़ से ही हैं, एंड दे ऑल हैव फेल्ट इट कि देयर इज स्ट्रगल हियर एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज। तो मेरा वो वाला फेज चल रहा है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन इफ आई एम स्माइलिंग राइट नाउ, इट इज डिफिकल्ट एंड आई नो आई गेट थ्रू इट। देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज, एंड इफ एनीबडी इज वॉचिंग दिस एंड वो अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, आई होप यू हील, बिकॉज आई नो मैं उस जगह पर थी थोड़े दिन पहले और अभी भी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा फ्यूचर खराब हो। क्योंकि जैसी चीज़ें मैं यहाँ पर देखती हूँ, पीपल जस्ट डोंट केयर अबाउट यू, योर फीलिंग्स, उनको बस खुद को ही आगे बढ़ना है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस पर्सन। अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। द ओनली रीजन आई एम ऑन यूट्यूब इज बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प जो न्यू बच्चे आ रहे हैं। बट इवेंचुअली जो मेरा अपना पैशन था वो भी मैं लूज कर चुकी हूँ। आई हैव लॉस्ट
ऑल माई कॉन्फिडेंस. आई कॉन्ट इवन टेल यू, आई कॉन्ट इवन एक्सप्लेन कि मुझे कितना बुरा लगा. 15 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया. माई फ्रेंड्स, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फैमिली, दे यूज टू पुश मी, शरल कर 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 पोस्ट कर, कुछ भी डाल दे, कुछ भी डाल दे. तो आज मैं कुछ भी डाल रही हूँ. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस टू नो कि टेक इट, लाइक मैंने नहीं पोस्ट किया. आई नो मेरी गलती है कि मुझे पोस्ट करना चाहिए था, बट मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी बातें सुन के डिमोटिवेट हो, क्योंकि मैं खुद ही बहुत डिमोटिवेटेड थी तब. बट आई एम ओवर इट एंड आई एम थैंकफुल. और जिसने भी मुझे टेक्स्ट किया कि शरल आई होप यू आर फाइन, आई गॉट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट कि तुम क्यों व्लॉग नहीं बना रहे, यू एडिक्टेड टू योर व्लॉग्स. आई विल ट्राई मेकिंग व्लॉग्स एंड आई लव जहाँ मैं अभी बैठी हूँ, कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है. आई रियली रियली मिस टॉकिंग टू यू पीपल एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि क्या सब चल रहा है. तो अभी तो यही थी मेरी लाइफ अपडेट. आई हैड टू मूव आउट, वही सब ट्रॉमा चल रहा है, बहुत ज़्यादा PTSD हो रहा था मुझे. तो आई डोंट नो अभी आगे क्या होगा, क्योंकि अब मुझे एग्जैक्टली पता लग रही है कि हाउ इज़ लाइफ हियर इन कैनेडा. ऑल्दो इट्स फाइन इफ समबडी इज वॉचिंग मी जो आ रहा है, प्लीज़ डरना मत, क्योंकि अगर मैं सह सकती हूँ तो आप भी सह सकते हो. मैं आई ऑलवेज से दिस. तो इफ आई हैड बैड डेज एंड आई एम हियर टॉकिंग टू यू गाइज अगेन, दैट मीन्स कि वी कैन गेट ओवर इट एंड वी विल. और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट स्पेस जहाँ मुझे पता है कितना बुरा लगता है. देर इज लोनलीनेस, देर इज होम सिकनेस, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ती है. और वेन यू आर जस्ट 20 तो ज़्यादा मुश्किल होता है. बट वील गेट थ्रू इट एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. मैं कल से व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दूंगी, आई होप होप होप. और अगर मैं ना करूँ तो प्लीज़ मुझे पुश करना कि शरल यू कैन डू इट एंड वी विल डू इट टुगेदर. अभी आई एम गोना एंड दिस व्लॉग. आई नो मैंने कुछ ज़्यादा खास बनाया नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्या सब चल रहा था एग्जैक्टली. और आई होप कि सबके साथ अच्छा ही हो, क्योंकि आई ऑलवेज थिंक कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो किसी और के साथ ना हो. एंड आई सी यू गाइज मे बी टुमारो एंड आई विल स्टार्ट पोस्टिंग एज सून एज आई कैन. एंड आई एम सो सॉरी कि मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी. अभी भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं भूल चुकी हूँ एडिटिंग भी कैसे करनी है. मैं स्पेशली आके नीचे बैठी थी कि अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे बात करनी ही है. एंड जो मतलब प्रॉपर मेरे साथ जो कुछ हुआ, इट वॉज रियली रियली ट्रॉमेटाइजिंग. और मैं अभी इस टाइम पे उसको याद नहीं करना चाहती हूँ. बट आई लेट यू गाइज नो द ट्रू रियालिटी ऑफ कैनेडा वेरी वेरी सून, मे बी, आई डोंट नो. एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक डिट, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों ने मुझे देखा था तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और मैंने अपने आई लैशेस करवा लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका. तो आई विल गो स्लीप नाउ बिकॉज इट्स वेरी 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 लेट. एंड सी यू गाइज टुमारो, बाय.